बिहार में इन दिनों शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस विशेष अभियान चला रही है, जिसके तहत दानापुर के अकिलपुर थाना अंतर्गत कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई, जिसमें गंगा किनारे चल रहे अवैध शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया। साथ ही सैकड़ों लीटर बरामद देसी शराब को भी नष्ट किया गया और भारी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण को आग के हवाले कर दिया गया। इस छापेमारी में एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। होली पर्व एवं पंचायत चुनाव के मद्देनज़र हम लोग शराब के विरुद्ध छापामारी कर रहे हैं। इस क्रम में आज अकिलपुर थाना क्षेत्र के दियारा में छापामारी की गई। अकिलपुर थाना की टीम भी थी उसमें शामिल। वहां पर हम लोगों ने लगभग 3000 लीटर कच्चा सामग्री को विनष्ट किया है। कुछ उपकरण भी प्राप्त हुए थे, ड्रम वगैरह थे, जिसे लाना संभव नहीं था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज राज जुड़ चुके हैं। पंकज राज, राजधानी से सटे हुए दानापुर में इस तरीके से शराब की जो तस्करी है सामने आई है निकलकर, और शराब भट्टियों का आज उद्भेदन किया गया है पुलिस के द्वारा, क्या कुछ और निकलकर सामने आ रहा है इस पर कार्रवाई जो की गई है? जी देखिए, जिस तरह से जेलों के वीडियो वायरल होने के बाद पटना पुलिस या बिहार के पुलिस एक्शन में आई है, उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। और हालांकि जिस तरह से दानापुर का दियारा जो क्षेत्र है उससे लगातार खबरें आ रही थी कि उधर शराब बनती है, उधर वहाँ शराब मिलती है, इसको लेकर पुलिस भी एक रणनीति तैयार करके इस छापेमारी को की है। हालांकि दानापुर पुलिस और अकिलपुर पुलिस दोनों ने संयुक्त रूप से इसकी कार्रवाई की है। बड़ी मात्रा में जो शराब की भट्टियां थी, अनेक दर्जनों शराब की भट्टियों को भी नष्ट किया गया। वहां पर जितने भी उपकरण थे, कच्चे माल थे, सामान थे जो शराब बनाने के, उनको भी नष्ट किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि शराब बनाने वाले लोग कोई गिरफ्तार नहीं हुए। ताकि दानापुर का जो मेन मुख्य जो कहा जाए हब है सगना मोड़, वहां पर पुलिस चौकी है, उसके आसपास में भी शराब बेची जा रही थी। वहां भी शराब के छोटे साम्राज्य एक तरह से कहा जाए स्थापित है, उसको भी पुलिस ने ध्वस्त किया। हर एक महिला को शराब के साथ गिरफ्तार किया। इस तस्करी में महिला ही शामिल थी या फिर किसी अन्य की भी बात सामने निकल कर पुलिस ने बताई है? देखिए, ये बहुत बड़ा रैकेट है, ये बहुत बड़ा चेन है इस शराब बेचने और शराब के धंधे में। ये तो बानगी, एक छोटी सी बानगी है। ये महिला जो शराब बेच रही थी उसको गिरफ्तार करके पुलिस अपनी खानापूर्ति कर ली गई है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल लोगों का कहना है कि शराब की जब छापेमारी हुई तो वहां पर लोग पकड़ाते क्यों नहीं है। इसका साफ मतलब है कि शराब की जो ये धंधा है उसमें पुलिस की जरूर कहीं ना कहीं मिली भगत रहती है, जिससे उन तक, उन शराब माफियाओं तक खबर चली जाती है और वो लोग वहां से फरार हो जाते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज। तो दानापुर में शराब भट्टियों को पुलिस ने नष्ट किया है और मौके से सैकड़ों लीटर अवैध शराब को भी पुलिस ने जब्त किया है।